गया के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के खरहरी गांव के रहने वाले बीएमपी के प्रशिक्षु जवान भोला प्रजापति का संदिग्ध मौत पर परिवार के लोगों ने आरोप लगाया है कि मेरे बेटे की हत्या कर दी गई है और उसे आत्महत्या का रूप देकर घटना की लीपापोती की जा रही है। मृतक के पिता चंदेश्वर प्रजापति ने कहा कि 3 माह पूर्व बेटे ने कॉल करके बताया था कि उसके साथ कुछ जवानों ने अभद्र व्यवहार किया है, तो हम लोगों ने उसे समझा बुझा कर बताया कि अपने उच्च अधिकारियों को शिकायत कर उन्हें जानकारी देने का काम करें। इस पर उसने कहा कि कोई भी अधिकारी मेरी बात को नहीं सुनते हैं। उन्होंने कहा कि 25 जून को उसका प्रशिक्षण पूरा हो गया था, घर आने के लिए उसके पास पैसे नहीं थे तो उसने हमसे 5,000 रुपए खाते में डालने के लिए कहा था। कल मेरा बेटा घर आ रहा था, पूरा परिवार आस लगाए इंतजार कर रहा था, लेकिन जब वह नहीं आया तो हम लोग कॉल कर जानकारी लेने की बात की तो बताया गया कि आपके बेटे ने आत्महत्या कर ली है। ये सुनकर जब हम लोग डुमराव BMP 4 में पहुंचे तो उसकी एक फोटो और शव को दिखाया गया, लेकिन शव को देखने पर स्पष्ट लग रहा था कि उसने आत्महत्या नहीं बल्कि उसकी हत्या की गई है और आत्महत्या का रूप देकर लीपापोती कर दी गई है। जी बताइए। करीब करीब 9 बजे हम लोग के खबर मिला तो हम लोग वहाँ पहुँचे 2 बजे। वहाँ जब गए तब सब सिपाही लोग नीचे था, कुछ ऊपरे था, तो ले जाकर हम लोग के चरतला पर दिखाया तो 6.5 फीट का खिड़की है सर, और 6.5 फीट का खिड़की ने फांसी लगाइला के बाद गमछी से नीचे पैर चुन जाता है। हम लोग के जाते का पहले उन लोग लाश खोल के हटा दिया है, समझे। हम लोग गए वहाँ तब कहीं की यही खिड़की नंबर आओ, बीच में ऊपर कोई टांगे का जगह नहीं, केवाड़ी तोड़ के निकाल नहीं है। केवाड़ी जब कोई भी फांसी लगाता है तो केवाड़ी लगा के फांसी लगाता है, उससे केवाड़ी भी टूटल नहीं है। हम लोग कहें कि नहीं सही से जान मार देवल गया है। उसको बाद हम लोग के कहीं से जाइए से लाश है आपको अथी ने सदर हॉस्पिटल ने, वहाँ हम लोग गए तब SP बैठल था, SP से बातचीत हुआ तो कहीं से डॉक्टर आता है तो खुलवाते हैं केवाड़ी, देख लीजिएगा बच्चा के। उसको बाद में जब डॉक्टर आया तो केवाड़ी खोला तो हम लोग पूरा उलट पुलट के देखे तो एगो सीना पर जूता के लात कबरल है और रस्सी सा टान के मारल है। हम लोग वजह पर बहुत बहस किए हैं SP से, बाकी SP कह रहा है कि इसका जाँच होगा, आज तक कोई जाँच नहीं हुआ। कितना दिन चाहिए? इंसाफ चाहिए। हाँ तो आप आवेदन दिए हैं? हैं आवेदन दिया हुआ है। कितने तारीख दिए हैं? 28 तारीख है। किस तरह का इंसाफ लेना चाहते हैं? मेरा भाई मरा है, हमको इंसाफ चाहिए। ठीक है, लेकिन आपने थाना को ऐसा तो अभी तक FIR क्या? आपका थाना तो लीपापोती कर रहा है, कहे कहे नहीं कर रहा है। जैसे थाना लीपापोती कर रहा, थाना अभी तक आप क्या थाना किया? कुछ नहीं किया। FIR नंबर मिल गया आपको? हैं कुछ नहीं मिला है। मेरा मोबाइल नहीं मिला है अभी तक, मेरा भाई मरा है मोबाइल नहीं मिला है अभी तक। जब 3 महीना आवेदन दिया गया है, 3 महीना पहले आपका उच्च अधिकारी के पास कहा गया है कि हमको ऐसा ऐसा अगला टॉर्चर कर रहा है, तो आप काहे नहीं सुने? आप काहे नहीं सुने? मेरा मालिक हैं, आप सीनियर हैं, हम जूनियर हैं, आप काहे नहीं सुने? इसका मतलब है कि आप निपापुत कर रहे हैं, आपको चाह रहे थे कि फलाना मरा जाए, हमको फाइल हो जाएगा। तो बड़ी पुलिस अधीक्षक को आवेदन दिए हैं? हैं बड़ी पुलिस सबको तो दिया हुआ है, आपका आवेदन के अनुसार तो सब पढ़ लिए हैं। किस तरह की न्याय चाह रहे हैं? हैं किस तरह? मेरा भाई मारा है उसको न्याय चाहिए, अगला को सजा चाहिए, जो मारा है उसको सजा चाहिए। CBI से जांच होना चाहिए, CBI के द्वारा जांच होना चाहिए कि क्यों हुआ। मेरा ये घर है, हम 4 फैमिली हैं, तो 1 फैमिली का मर्डर कैसे हो गया? हम 4 फैमिली साथ में हैं तो 1 फैमिली कैसे मर गया? जी पढ़ते हैं के कर रहे हैं बाबू, तो छकवा छकवा कह के जो है से करता है, वो तो पर 2-4 गो लैकन 5 गो है से करता है, हमको गाली करके अथी करके बहुत नाम बताओ छकवा बोले थे, आई सब जाता था तो सिर का फोटो है, अभी हमको नाम नहीं बताया है, सब मोबाइल में रख ले है, अब मोबाइल हमको दे नहीं रहा है का जात प्रकार करने के लिए, और हमको इतना घटना 1 घंटा भर में दुर्घटना कर दिया है। मोबाइल मिला नहीं? आज तक मोबाइल नहीं मिला है। मोबाइल कहाँ है? मोबाइल थाना पटना में है। तो थाना में सूचना दिए, आवेदन दिए हैं कार्रवाई के लिए? अभी थाना में हुआ मिलन ना दिए हैं थाना जान करके हम कि ही हमको बाबू के दुर्घटना कर दिया है, अब हम दुर्घटना के लिए हम क्या कर सकते हैं, हमको बेटा तो नहीं मिलेगा, हमको बेटा मिलेगा, बेटा रहता गोढ़ा तोड़ करके तो भी हम कमा के भूख मर के कमा के पोसते,
अब खिलाते घूरते घाटते बाकी हमको बेटा के तो दिया करके ले लिया। आप क्या चाहते हैं? अभी चाहते हैं कि माँ बाप के जिंदगी खेपे अभी बेटा के नौकरी दे दिए। अब कुछ हम कहा चाहेंगे, हमको बेटा तो नहीं मिलेगा, बेटा मिलता तो कुछ संतोष करते कि पैसा नहीं लेंगे। लगा करके मार दिया है, अगर बाबू अच्छी नहीं हुआ है कोई आदमी बारे को मकी मार, हाँ मार दिया है फांसी लगा करके। हम वहाँ पर गए पुलिस मारे कोई जानता मारे तो देखे कि 6 फीट के कुत्ते है, उसमें खिड़की लगा हुआ है, 6 फीट के घर है उसमें खिड़की लगा हुआ है। बाबू ऐसी खड़ा है, वो तो मरने का सवाल ही नहीं है उसमें। अब नीचे पैर लटकल है, लटका हुआ नहीं है, जमीन पर है। वही देख करके हम कहें कि हमारा बाबू को फांसी लगा दिया है, लेकिन मार कर मार दिया है। जिससे ये पता चले कि इसके साथ कोई गलत किया है, उसको साथ पहले साथ 2-4-5 में लइकन उसको साथ बोल रहा था कि तुम ऐसे सूच उच आप कैसे हो, जैसे नाचता गाता था वो सब लइकन, गाली गलौज करता था उसको, उसको बेइज्जती किया था उसको, तो इसलिए कुछ लइका बोला होगा हल्का फलका, लेकिन गाड़ी या ग्लोज वाला लड़का हमारा बेटा नहीं है, नहीं है, नहीं है इस बात आज पूरा गांव या वहां सिपौल तक था कि लड़का सही था। ये जानकारी आपको कैसे मिला कि वहां पे सब मारता पीटता था? जैसे हम आप लोग आपसे हम अपने से कहे थे सर कैसा हमको लड़का नहीं रास्ता पर है, हाँ उस रास्ता पर नहीं, वो लड़का को 4-5 आदमी मिल करके दबा कर को मार दिया रस्सी से, गम से नहीं किया है वो हत्या। बीएमपी कैप में इसको मार के फांसी पर लटका दी गई है। आखिर क्या वजह क्या रही? वजह यही था कि इसको पहले से इसका 2-4 लड़के मिलकर बहुत प्रताड़ित करता था, रैंकिंग करता था, वो फरवरी महीना से चालू हुआ था रैंकिंग। अच्छा, उसमें बहुत उस वहाँ गुजार लिए लगभग 12-13 महीना। तो पहले भी कभी ऐसा सूचना या कुछ ऐसा बात वो बताता था परिवार को? हाँ होता था इस तरह का कोई, हाँ घर में भी सूचना दिया था, हमें भी सूचना दिया था इसके बारे में। हम जब गए 3 महीना पहले तो इसके बारे में कमांडर से कंप्लेन भी किए थे कंप्लेन, तो कमांडर कंप्लेन लेने से इनकार कर दिया। इसमें बोला था कि जाओ कुछ नहीं होगा, जो हम समझा देंगे, जिसके बारे में बोले थे अगर किस तरह का अगर तरह का दिक्कत होता है तो इसका जिम्मेवार आप हो जाएगा। आप जो बोले कि हत्या किया गया है तो इसके जांच के लिए आप आवेदन दिए हैं? जांच के लिए आवेदन दिए किस क्या चीज का? जो घटना घटी है हाँ इसके आवेदन दे दिए हैं, डुमराव थाना में दिए हैं, SP के पास भी दिए हैं। अच्छा, लेकिन इसका कोई अभी तक FIR दर्ज नहीं हुआ है, कोई इसका भी निष्कर्ष नहीं निकला, आज 9 दिन बीत गया FIR दर्ज नहीं हुआ है। तो आप क्या चाह रहे हैं? सर इसको बढ़िया तरह से सही तरह से जांच हो, CBI से जांच हो जाए और इसका जो सही रिपोर्ट है, जो सही रिपोर्ट हमारे पास लावे। क्या नाम हुआ आपका? राकेश कुमार। कौन है लड़के का? प्रातः दर्पण न्यूज के लिए गया बिहार से अशोक शर्मा की रिपोर्ट। आगरा के सर्वाधिक सबसे लोकप्रिय चैनल प्रातः दर्पण न्यूज चैनल के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ बेल आइकन दबाना ना भूलें। चैनल के फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो करें।